दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले में आई फिक्सिंग की रिपोर्ट। केएल राहुल ने आईपीएल और पैसों के लिए किया मैच को फिक्स। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरह से केएल राहुल ने भारतीय टीम को धोखा दे दिया है, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट को भारत में एक धर्म की तरह पूजा जाता है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे लोग इमोशन से जोड़ते हैं और बताया जाता है कि क्रिकेट भारत में सबसे पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों जब क्रिकेटर्स ही अपने फैंस के साथ गद्दारी करने लगे और पैसों के लिए अपनी टीम में राजनीति चलाने लगे तो शायद इस खेल से भी आपका भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला जब खेला गया तो उसके प्लेइंग 11 में केएल राहुल ने बड़ा उलटफेर किया। दरअसल केएल राहुल ने कुलदीप यादव जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे उनको बाहर करके अपनी टीम में यहां पर दोस्तों जयदेव उनादकट को पिक किया था। ऐसे में जयदेव उनादकट को पिक करने के बाद सब शॉक्ड थे कि 12 साल बाद टीम इंडिया में इनको मौका कैसे मिला। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसी खबर आ रही है जो इसको सुनने के बाद आप भी गुस्से से आग बबूला हो जाओगे। दरअसल दोस्तों जैसे ही जयदेव उनादकट को पिक किया गया और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी कराई वैसे ही आईपीएल का ऑक्शन आ गया और आईपीएल के ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स जिसके कैप्टन केएल राहुल है उस टीम ने जयदेव उनादकट को ही खरीद लिया। जी हां दोस्तों, यानी कि एएल राहुल रोहित शर्मा जैसे ही कैप्टनसी कर रहे हैं और वो यहां पर दोस्तों कुलदीप यादव को बाहर करके अपने ही आईपीएल टीम के खिलाड़ी को खिलाकर टेस्ट करना चाहते थे कि अच्छा खिलाड़ी है, क्या हम उसे यहां पर ऑक्शन में पिक कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है, आपको क्या लगता है इसमें केएल राहुल की गलती है या फिर नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।